नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां शहर जगाधरी थाना क्षेत्र में डीडी अग्रवाल स्कूल के पास बैलकडान वाली गली में बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि सेठानी निवासी मुकेश उर्फ मन्नी को गोली मारने के इरादे से आए थे युवक, लेकिन वह किसी तरह से बच गया। बता दें कि इस दौरान फायरिंग से एक छर्रा 11 वर्षीय बच्चे को लग गया, जिससे वह घायल हो गया है। अब वहीं वारदात को अंजाम देकर हमलावर भाग निकले और पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी, भारी पुलिस बल और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीन की टीम पहुंची। यहाँ पर अभी हम खड़े थे, हमें लगा कि अभी दो ऐसे आवाज है जैसे बम बजे हो। पहले एक बम बजा, फिर ऐसे हमने सोचा कि बम बजे हैं, बच्चे पटाखे चला रहे हैं। पर बाहर आकर देखा तो सिल्वर स्प्लेंडर में तीन लड़के आ रखे थे और एक एक्टिवा पे बंदा जा रहा था, उसको मारने के लिए वो आए हुए थे। तो आपने किसी ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया जी? नहीं जी, वो बड़ी स्पीड में थे। अभी हमने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा है तो बहुत ज्यादा स्पीड में थे। कह रहे थे एक कॉल बरामद कर लिया अपनी, और एक हमारी गली में लड़का भी है, छोटा बच्चा, उसको छर्रा भी लगा है, वो भी अपना फर्स्ट एड करवा के आया है। तो जख्म ज्यादा है, बगाई तो जना कोई पटाखा सूखा फूट गया दिखा है, बगाई से जना जल्दी डॉक्टर पे लेके जाओ। इतनी बात हो ही रही थी तो गली में देखा था पुलिस ही पुलिस करके नीचे मेरे, क्या लगे यहाँ बच्चे के किसी के लगा, मगर मेरे बच्चे के लगे पोस्टे के। फिर घबराहट होती है एकदम, फिर आ गया जी उन्होंने, फिर वो बोल रहे अगले पहले डॉक्टर पे लेके जाओ। फिर डॉक्टर पे लेके गए, उन्होंने उसके जो है इंजेक्शन लगाया, आज एक मुकेश उर्फ मन्नी सन और दिनेश कुमार उर्फ धन्ना जाति राजपूत अपने स्कूटी के ऊपर अंसारी बाजार में से निकल रहा था। पीछे से तीन बाइक सवार आए और उन्होंने उसके ऊपर दो बार फायर किए, और वो उधर जैसे फायर किए तो वो उधर स्कूटी गियर के भागने लगा, तो वो पीछे पीछे पैदल पैदल उसके पीछे गए और उसके गोली तो नहीं लगी, लेकिन उस फोन आया हमारे पास चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज ने मुझे भी RSHO साहब को फोन किया और हम यहाँ मौके पर पहुँचे थे। जो दो आदमी का नाम आइडेंटिफाई हो रहा है, रेडिंग पार्टी तैयार कर दी, तीन चार पार्टी तैयार की है, CIA टीम।